हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर सिक्स का फर्स्ट पार्ट देख लिया था जिसमें हम लोगों ने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को सीखा रिटायरमेंट के अंदर नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं देखो ये सारा टॉपिक हमने समझा था और काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे तो ये सारी चीज़ें सिंपल केस और अक्वायर केस अगर आपने नहीं देखी होगी क्लास तो देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा और आप जाके फर्स्ट पार्ट जरूर देखना और ऐसे ही क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी का और बीएसटी का पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको मिलेगा चैप्टर वन से लेकर पूरा एंड तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं आप देखना चाहते हो तो ठीक है चलो आ, अब बात करते हैं क्लास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने उन्होंने कंटेंट देखा था पहला पार्ट हमने देखा नई रेशियो कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं फिर आप बात करेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट की तो ये रिटायरमेंट चैप्टर में जो गुडविल का यहां पे दो पार्ट है सबसे पहला गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट ध्यान रखना पुरानी बैलेंस शीट में जो भी गुडविल अपियर होगी पुरानी बैलेंस शीट में जो भी गुडविल असेट साइड अपियर होगी इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ हम क्या करेंगे उसको राइट right ऑफ कर देंगे यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल होगी उसको हम राइट ऑफ करें कभी भी रिटायरमेंट का चैप्टर वैसे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सब जगह है कि अगर कभी भी आपको एग्जिस्टिंग गुडविल मिल गई बैलेंस शीट के असेट के अंदर अब एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे देखते हैं कितने आप मेरी वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखते हो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल मिलती है असर्ट साइड वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है या परचेज गुडविल ठीक है ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल देखने को मिलता है तो वो सेल्फ जनरेटेड है या परचेज गुडविल है और कितने महीने का नोटिस देगा कोई पार्टनर अगर बिजनेस को छोड़ के जाता है तो ये तो दोनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो अब आगे समझते हो कॉपी किताब खोल के बैठना बिल्कुल ठीक है चलो तो अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल मिल गई तो क्या करोगे उसको राइट ऑफ करोगे राइट ऑफ करने का मतलब उसे हटा दोगे खत्म कर दोगे नई बैलेंस शीट में वो देखने को नहीं मिलेगा तो उसकी एंट्री पास होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि ऑल पार्टनर्स जितने पार्टनर्स हैं सबकी कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे टू गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो गुडविल और ये किस रेशियो में एंट्री पास होगी ओल्ड रेशियो में यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल करके ओल्ड रेशियो में एबीसी में आप बांट दोगे जो रिटायर हो रहा है उसमें भी और जो बचे पार्टनर उसमें सभी पार्टनर में तो फाइनली अगर गुडविल आपको ओल्ड बैलेंस शीट में मिल जाती है तो उसको आपने क्या करना है राइट right ऑफ करना है दूसरा दूसरा ही क्लास हंड्रेड परसेंट पेपर में आएगा ध्यान रखना गारंटी है इस बात की ये पॉइंट आएगा ही आएगा यहाँ से तीन चार नंबर अपने पक्के कर लो आठ नंबर वाले में क्वेश्चन में पॉइंट में आएगा नहीं तो क्लास आपको अलग से क्वेश्चन दे देगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का थ्री टू फोर मार्क्स में आना तय है इस चीज़ का किसी भी क्वेश्चन में देख लेना सब में आएगा आपने नई रेशियो निकाल लिया गेनिंग रेशियो निकाल लिया गुडविल अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर है तो उसे राइट ऑफ करना और अगर गुडविल इन एडजस्टमेंट है गुडविल इन प्लस एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडिशनल पॉइंट अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट में दे रखा है गुडविल अपियर इन एडिशनल पॉइंट तो अगर आपको नीचे एडिशनल पॉइंट में गुडविल दिया हुआ है तो उसकी हम एक एंट्री पास करेंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग ध्यान रखना कुछ लोग इसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी बोलते हैं बिल्कुल ठीक है वो भी तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लियर है यहां तक रिमेनिंग टू रिटायरिंग और किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में यानी जो बच गए जो पार्टनर बच गए हैं वो रिमेनिंग है और जो छोड़ के जा रहा है वो रिटायरिंग है तो अगर ए बी सी तीन पार्टनर है बी चला गया छोड़ के तो एंट्री क्या होगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो तो ध्यान रखना कि गुडविल कभी भी आपको बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल पॉइंट में दिया होगा तो उसकी एंट्री क्या पास करनी है रिमेनिंग टू रिटायरिंग वो भी किस रेशियो में बताओ क्लास गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो तो ये आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ध्यान रखना आई रिपीट अगेन अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है तो उसे ओल्ड रेशियो में राइट right ऑफ कर देना है सारे पार्टनर्स में यानी ओल्ड पार्टनर्स में वैसे एबीसी ओल्ड ही होंगे क्योंकि तो एक छोड़ के जा रहा है कोई नया नहीं आ रहा तो तीनों में डेबिट साइड ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा और अगर एडिशनल पॉइंट में कोई गुडविल दे रखा है अभी काफी क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में चलो नेक्स्ट ये आप क्लास कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हो आपने यहाँ पे स्क्रीन ले लिया होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट का नहीं तो आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके वैसे स्क्रीन लेना अच्छी बात नहीं है अगर आप नोट करके करते हो तो साथ साथ चीज चलती रहेंगी जैसे ट्यूशन क्लास में पढ़ाई होती है कमेंट करके बताना क्लास कि आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो अच्छे समझ आता है कि नहीं ठीक है चलो अभी हम कई सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं तो अपना पहला क्वेश्चन चेक करते हैं एक क्वेश्चन जैसे होगा सारे ही वैसे होंगे तो किसी भी ऑथर की किताब से उठाकर आप क्वेश्चन सब आराम से बना सकते ओके पी क्यू आर एस चार पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है वो है फाइव थ्री वन वन तो फाइव प्लस थ्री एट प्लस नाइन प्लस फाइव बाई ट्री बाई टेन वन बाई टेन वन बाई टेन एस रिटायर हो गया और पी क्यू आर की जो नई रेशियो है फोर थ्री थ्री है और पूरे फॉर्म की गुडविल जो है वो चार लाख बीस हजार ध्यान रखना पूरे फॉर्म की गुडविल चार लाख बीस हजार है आपको एंट्री पास करनी है देखो सॉल्यूशन कैसे होगा क्वेश्चन ठीक है क्लास देखो पहले पी क्यू आर एस ये ओल्ड रेशियो है ठीक है और यहाँ पे एस चला गया तो पी क्यू आर का ये हो गया न्यू रेशियो तो ओल्ड रेशियो क्या है फाइव थ्री वन वन फाइव बाई टेन थ्री बाई टेन वन बाई टेन वन बाई टेन हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपने फोर बाई टेन थ्री बाई टेन थ्री बाई टेन क्लियर है यहाँ तक अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखना है बोलो क्या होता है गेनिंग रेशियो एग्जामिनेशन की प्रेजेंटेशन देख रहे हो एग्जाम में ऐसे ही करना होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो न्यू रेशियो जो है वो किस किस का है पी क्यू आर तो न्यू माइनस ओल्ड तो न्यू कितना है क्लास फोर बाई ट्री बाई थ्री बाई टेन माइनस ओल्ड ओल्ड कितना है पी का फाइव बाई टेन और क्यू का ओल्ड कितना है क्लास थ्री बाई टेन और आर का ओल्ड कितना है थ्री बाई टेन ठीक है? एक सेंग, एक सेंग क्लास. का तो है ना ये रहा? आरकोल्ड वन बाई टेन क्यू का थ्री बाई टेन और पी का फाइव बाई टोर थ्री ओके तो आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पे आएगा टेन फोर में से फाइव जाएगा तो माइनस वन बाई टेन और यहाँ पे आएगा जीरो और थ्री में से वन गया तो टू बाई टेन देखो अगर वैसे पहला क्वेश्चन जो है टफ ले लिया मैंने कोई बात नहीं आ, आगे भी ऐसे क्वेश्चन काफी आएंगे देखो आपने करना क्या है सबसे पहला स्टेप आपने गेनिंग रेशियो निकाल लेना है और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और एंट्री होती अच्छा है क्या मैं समझाता तो होगा कुछ तो प्रॉफिट किया होगा गुडविल बना होगा ना बिजनेस का नाम, रेपुटेशन बनाने में उसने भी तो मदद की है ना जो छोड़ के जा रहा है समझ गए बात को इसीलिए हम क्या करेंगे पूरे फर्म की गुडविल में से जो उसका हिस्सा है हम उसको निकाल के उसको दे देंगे जब वो छोड़ के जा रहा है तो जैसे नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है उसी तरीके से पुराना पार्टनर जाएगा तो अपने हिस्से की गुडविल को लेकर जाएगा तो पूरे फर्म की गुडविल आपको दी होगी देखो इस क्वेश्चन में तो गेनिंग रेशियो ये माइनस में आ गया अगर किसी का गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया इट मीनस वो गेन नहीं कर रहा क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है टफ क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे आपको और अगर जीरो किसी का आ गया तो इसका मतलब वो ना ही गेन कर रहा है और ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है और अगर किसी पार्टनर का गेनिंग रेशियो प्लस में आ रहा है इट वो गेन कर रहा है क्लियर है यहां तक तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी दी है आपको फोर लैक ट्वेंटी थाउजेंड आप किसका हिस्सा निकालोगे जो छोड़ के जा रहा है और वो कौन है एस तो एस का हिस्सा कितना आएगा फोर ट्वेंटी का वन बाई टेन आएगा फोर्टी टू थाउजेंड यानी कि एस जो है उजेंड रुपीज गुडविल बिजनेस से लेकर जाएगा ये आ गया अब इसके बाद क्या करना है देखो एंट्री जो पास करनी होती है गुडविल की वो होती है रिमेनिंग टू तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग तो कौन कौन है बताओ क्लास रिमेनिंग है पी डेबिट क्यू डेबिट आर डेबिट रिटायरिंग कौन है एस ओके इनका कैपिटल अकाउंट लिख देंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूस कैपिटल अकाउंट डेबिट आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो एस कैपिटल अकाउंट एस को कितने रुपए चाहिए गुडविल के फोर्टी टू कितना चाहिए 42, अब से। जिस पार्टनर का ना ही गेन हो रहा है वो जो मतलब बचे पार्टनर, उसमें जो जितना गेन कर रहा है वो उतना शेयर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देकर जाएगा असली मायने में होता है क्या सुनो रियल लाइफ में क्या होता है एबीसी पार्टनर अभी छोड़ के मुझे गुडविल चाहिए बिजनेस की ए और सी कहते हैं भाई बिजनेस को हम बेच छोड़ ही सकते हैं तू जा रहा है छोड़ के हमें तो कंटिन्यू करना है ना बिजनेस को तो ये कहता है आप अपनी जेब से भर दो गुडविल मुझे और आप बिजनेस बाद में अपना बेच के अपना खुद ही रखना पैसा तो बी को जो गुडविल का पेमेंट किया जाएगा वो ए और सी देंगे किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में अगर किसी का गेन और सेक्रीफाइस कुछ हो ही नहीं रहा तो उसका नाम हटा दो अब जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस हो रहा है माइनस में आया है उसकी साइड को चेंज कर दो तो पी का ऊपर उठा के नीचे ले आओ टू पीस कैपिटल अकाउंट ध्यान से समझना एक बार पहले आपने नॉर्मल एंट्री पास कर दी जो पार्टनर सैक्रीफाइस करेगा गेनिंग रेशियो में अगर माइनस आ गया इसका मतलब वो गेन नहीं कर रहा वो कर रहा है उसकी साइड को चेंज कर देना तो यहां आ जाएगा 10, और आर का तो है कितना टू बाई टेन और मल्टीप्लाई किससे करेंगे पूरे फॉर्म की गुडविल से तो पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी दे रखी है चार लाख बीस हजार तो अगर चार लाख बीस हजार को अगर आप दो से मल्टीप्लाई करके दस से डिवाइड दोगे तो एट्टी फोर थाउजेंड आएगा और नीचे चार लाख बीस हजार को अगर आप दस से डिवाइड दोगे तो आएगा तो ये देखो डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा तो जिनका नाम काटा उसे हटा देता हूं तो ये आपकी बन गई जर्नल एंट्री क्लियर है क्लास यहां तक माई रिपीट जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आया इसका मतलब ना ही वो गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी साइड को चेंज कर देना ऊपर से उठा के उसको नीचे ले आना और मल्टीप्लाई करना पूरे शेयर से जितना है मतलब इसे वन बाई टेन और टू बाई टेन है, तो वन टू मत बनाना क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है अगर ये दोनों प्लस के होते तो रेशियो बन जाता तो ये दोनों ही क्लास साइड साइन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल से कर देंगे तो पूरे फॉर्म की चार लाख बीस हजार है और वन बाय टेन बयालीस हजार बयालीस हजार और एट्टी फोर थाउजेंड आ जाएगा आर का तो इस तरीके से पूरा जो क्वेश्चन क्वेश्चन है वो आराम से फिनिश हो जाएगा क्लियर है यहां तक अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे समझना जरा क्वेश्चन नंबर टू ऐसे एक और क्वेश्चन आगे भी कराऊंगा ये यही वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अलग से तीन चार नंबर में पूछ सकता है अगर माइनस आ गया ठीक है एक्स वाई जेड पार्टनर है इनकी रेशियो थ्री टू वन है सॉल्व करते हैं इसको उसी तरीके से एक्स वाई जेड की रेशियो है थ्री बाई सिक्स टू बाई सिक्स और वन बाई सिक्स अच्छे समझना पुराना सब भूल जाओ यहां से नया समझो तो आगे लिखा है वाई रिटायर हो गया है तो वाई हो रहा है रिटायर तो एक्स और जेड की नई रेशियो लास्ट में दी हुई है टू बाई थ्री और वन बाई थ्री पहला काम आपको गेनिंग रेशियो निकालना है फॉर्मूला क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो एक्स का जो न्यू है वो कितना है टू बाई थ्री ओल्ड ओल्ड कितना है थ्री बाई सिक्स और जेड का न्यू कितना है वन बाई थ्री और ओल्ड कितना है वन बाई सिक्स ये एल सी आएगा सिक्स फोर माइनस थ्री वन बाई सिक्स ये एल सी आएगा सिक्स टू माइनस वन वन बाई सिक्स तो यहां गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कुछ भी आ सकता है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने किया तो माइनस चला गया तो उसी तरीके से कुछ भी हो सकता है तो यहां पे गेनिंग रेशियो जो आ रहा है इक्वल आ रहा है अब क्या करना है क्लास देखो सबसे पहला स्टेप गेनिंग रेशियो निकालो दूसरा पूरे फर्म की गुडविल दी होगी ध्यान रखना आप एक चीज देखो क्लास ये जो गुडविल ओल्ड बुक्स में अपियर है हम क्या करेंगे उसको राइट right ऑफ कर देंगे और जो गुडविल एटी फोर थाउजेंड दी गई है वो पूरे फर्म की गुडविल है एट्टी फोर थाउजेंड और आपको किसका शेयर निकालना है वाई का शेयर निकालना है एटी फोर थाउजेंड इन टू वाई का शेयर कितना है टू बाई सोगे तो का ये तो आएगा ट्वेंटी तो आएगा, आएगा वाई का क्लियर है यहां तक तो वाई को जो गुडविल मिलेगा वो अट्ठाईस हजार मिलेगा और यहाँ पे दो एंट्री होंगी पहली एंट्री जो ये गुडविल है ना क्लास ये इसकी एंट्री है रिमेनिंग टू रिटायरिंग तो रिमेनिंग कौन कौन है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट तो ये दोनों रिमेनिंग है और रिटायरिंग कौन है रिटायरिंग टू एक्स कैपिटल अकाउंट तो एक्स को एक सेकंड एक्स सेकंड एक कौन जा रहा है छोड़ के वाई तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट तो वाई को तो अट्ठाइस हजार रुपए मिलने हैं और कौन कौन देगा एक्स और जेड गेनिंग रेशियो क्या है इक्वल तो अट्ठाईस हजार का अगर आप करोगे मल्टीप्लाई वन बाई टू से तो आएगा कितना ट्वेंटी फोर अच्छा अट्ठाईस हजार है तो फोर्टीन आएगा फोर्टीन थाउजेंड और फोर्टीन थाउजेंड तो एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग और जो गुडविल ओल्ड बुक्स में अपियर है उसकी एंट्री होती है ओल्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल तो एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ध्यान रखना आपको जर्नल के पूरे फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट लिखते हुए करना है टू गुडविल तो ओल्ड बुक में कितनी गुडविल अपियर थी देखो जरा साठ हजार और जो ओल्ड रेशियो है ओल्ड रेशियो वो कितनी है थ्री टू वन थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड और टेन थाउजेंड क्लियर यहां तक तो अगर गुडविल ओल्ड बुक्स में अपियर है तो उसको राइट right ऑफ करोगे और जो नीचे गुडविल दी है तो पूरे फर्म की गुडविल है वो आप उसका हिस्सा निकालोगे जो छोड़ के जा रहा है और फिर एंट्री क्या पास करोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और किस रेशियो में होगा गेनिंग रेशियो में इसकी नरेशन क्या लिखोगे बींग गुडविल रिटर्न ऑफ और इसकी नरेशन क्लास क्या लिखोगे

आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन ऑन री वैल्युए टू हंड्रेड वाई को उसके कैपिटल का पैसा उसके रिजर्व का पैसा और रीवन अकाउंट जो बनाते हैं ना उसका गेन और लॉस भी देते हैं उसको तो उन सब का मिलाकर जो बनता है वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड बनता है तो वाई का जो शेयर है वह है वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड किस किसके बाद कैपिटल रिजर्व और गुडविल लेकिन एक्स और जेड अग्री है उसको डेढ़ लाख रुपए देने के लिए तो एक्स और जेड कितना अग्री है उसको डेढ़ लाख रुपए देने के लिए थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड उसका शेयर बनता, बनता है तो वाई उसको सॉरी एक्स और जेड उसको ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको दिया जा रहा है ध्यान रखना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो हिडन गुडविल है क्यों क्योंकि आप चेक करो टेन ये कैपिटल हो गया रिजर्व हो गया रिवल्यूशन गेन हो गया लेकिन उसको गुडविल का भी तो पैसा देना पड़ेगा तो उसकी गुडविल के लिए हम उसे जो दे रहे हैं वो क्लास हिडन गुडविल है और ये किसका शेयर है क्लास वाई का शेयर तो वाई की हिडन गुडविले टेन थाउजेंड एट हंड्रेड अब एंट्री होगी रिमेनिंग रिमेनिंग कौन कौन है एक्स जेड रिटायरिंग कौन है वाई वाई को मिलेगा दस हजार आठ सौ और एक्स और जेड देंगे किस रेशियो में अपनी गेनिंग रेशियो में तो ये रहा न्यू रेशियो ये रहा ओल्ड रेशियो तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ निकालो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो एक्स का जो न्यू है वो है फाइव बाई एट जेड का जो न्यू है वो है थ्री बाई एट एक्स का ओल्ड कितना है फोर थ्री सेवन टू नाइन फोर बाई नाइन और जेड का कितना है क्लास टू बाई नाइन तो येगा सेवन माइनस थर्टी टू थर्टीन बाई सेवेंटी टू ये भी आएगा सेवनटी टू ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन इलेवन बाई सेवेंटी टू तो गेनिंग रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है थर्टीन रेशियो इलेवन यानी थर्टीन बाई ट्वेंटी फोर और इलेवन बाई ट्वेंटी फोर ठीक है ये आ गया गेनिंग रेशियो तो टेन थाउजेंड एट हंड्रेड को डिवाइड देंगे ट्वेंटी फोर से इंटू करेंगे थर्टीन तो आएगा फाइव एट फाइव जीरो और ट्वेंटी फोर से डिवाइड देकर इंटू इलेवन अगर हम कर दें यहाँ पे तो आ जाएगा आपका फोर नाइन फाइव जीरो आपका पूरा आ गया टेन थाउजेंड एट हंड्रेड का हिडन सॉरी आ गया और उसकी एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग ध्यान रखना ये गेनिंग रेशियो में एंट्री होगी हमने गेनिंग रेशियो में ही किया है तो स्टेप बहुत ही क्लियर आई रिपीट अगेन सबसे पहले पूरे फॉर्म की गुडविल दी होगी उसमें से उसका निकालना जो छोड़ के जाना चाह रहा है फिर गेनिंग रेशियो निकालना एंट्री पास कर देना रिमेनिंग टू रिटायरिंग अगर कोई बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसे राइट ऑफ ओल्ड टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो और रिमेनिंग टू रिटायरिंग जो होगी वो होगी गेनिंग रेशियो में एंट्री किस चीज की है जो रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और जेड वो कॉम्पनसेट करेंगे वाई वाई को क्योंकि वाई छोड़ के जा रहा है तो गुडविल का हिस्सा वो बिजनेस से लेकर जाएगा आई होप कि अब आप सारे क्वेश्चन बुक से बना सकते हो ठीक है अच्छा और अगर किसी गेनिंग पार्टनर का आ, मतलब कि गेनिंग रेशियो में किसी का जीरो आ गया तो उसका नाम आएगा ही नहीं मान लो कि एबीसी तीन पार्टनर्स हैं और ये बी छोड़ के जा रहा है और ए और सी तो रिमेनिंग एंट्री रिमेनिंग क्या होगा ए सी टू बी एंट्री क्या होगी रिमेनिंग टू तो ए का जीरो आ रहा है तो ए का हटा देंगे तो बाकी सारा का सारा सी में लिख देना आप फिर सी अकेले ही देगा उसकी गुडल का हिस्सा किसको बी को ओके रिमेनिंग टू रिटायरिंग चलो क्लास एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज ही क्लास को एंड करते हैं आप कमेंट में बताना क्लास की वीडियो कैसा लगा आपको सारा समझ आया कि नहीं और प्रॉमिस करो कि हर कोई रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो नई रेशियो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहां तक अच्छे से परफेक्ट कर लोगे लोगे यहां तक परफेक्ट कर लोगे। और और बाकी बाकी जो इसके अंदर अकाउंट है लोग जर्नलिज्म का ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमेट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व उन सब का मैंने एडमिशन में कराया हुआ सेम टू सेम वैसा ही है फिर भी एक वीडियो में मैं आपको सारे गाइडेंस दे दूंगा फॉर्मेट बना दूंगा और फिर क्लास उसके बाद क्वेश्चन बनाना चालू कर देंगे तो उम्मीद है क्लास की दो से तीन क्लास तीन क्लास और लेंगे और हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे फिर हमारा डेथ और डिजोल्यूशन और हमारा यूनिट वन पूरा का पूरा सेप्टेम्बर एंड तक खत्म हो जाएगा क्लियर है यहां तक और इवन आ, मैं मैक्रो में भी और भी चैप्टर्स उसके बाद कराऊंगा तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहो क्लास एंड तक आपका साथ दूंगा टिल एग्जाम तक आपका सपोर्ट रहेगा बस आपको करना है कि आपने सारे क्लासमेट्स को बोलो कि यहाँ पे आराम से फ्री में पढ़ सकते हो आपको कहीं भी ट्यूशन में कोई पैसा खर्च करने की कि किसी बच्चे को जरूरत नहीं है सारी चीजें यहाँ होंगी धीरे धीरे हम चैट ग्रुप बनाएंगे वहां पे हम लोग बातें करेंगे और कोशिश करेंगे आप सबके डाउट्स भी ले सकें क्लियर है चलो लास्ट क्वेश्चन साथ आज हम क्लास को एंड करेंगे ए बी सी पार्टनर रेशियो सिक्स फाइव फोर और कौन चला गया ए रिटायर हो गया बी और सी का रेशियो वन रेशियो फोर है और गुरलपुरे फॉर्म की वन लाख एट्टी थाउजेंड है तो मैंने क्या कहा था आपको पूरे फर्म की जो गुडविल दी हुई है वो है एक लाख अस्सी हजार छोड़ के जो जा रहा है वो है ए तो ए का शेयर निकाल लेना आप ए शेयर ऑफ गुडविल वो कितना क्लास आएगा अगर पूरे फर्म का एक लाख अस्सी हजार है ए का जो शेयर है वो है सिक्स प्लस फोर टेन प्लस फिफ्टीन, बाई फिफ्टीन तो आप सिक्स बाई फिफ्टीन कर दोगे इसका तो आपको मिल जाएगा सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक है तो आपको सेवेंटी टू थाउजेंड गुडविल देना है किसको जो छोड़ के जा रहा है उसको उसका हिस्सा दे देना है क्लियर है लेकिन किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में और हम एंट्री बी वन क्या पास करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग ना रिमेनिंग टू रिटायरिंग सीस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग कौन है ए तो टू ए कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो जानते ही हो आप क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो बी का जो न्यू रेशियो है और जो सी का न्यू रेशियो है वो क्या है वन बाई फाइव और फोर बाई फाइव माइनस ओल्ड रेशियो क्लास बी का जो ओल्ड रेशियो है ए बी सी वो है क्लास फाइव बाई फिफ्टीन वो कितना है फाइव बाई फिफ्टीन और सी का जो ओल्ड रेशियो है फोर बाई फिफ्टीन फोर बाई फिफ्टीन ठीक है न्यू में से ओल्ड घटाना सिंपल न्यू दिया हुआ है ओल्ड दिया हुआ है तो ये एलसी आएगा फिफ्टीन फाइव थ्री माइनस फाइव माइनस टू बाई फिफ्टीन तो गेनिंग पार्टनर का आ, मतलब कि गेन की जगह पार्टनर क्या कर रहा है पे आएगा 5, 3, 12 4, 8 15. तो बी तो तो की साइड चेंज कर दो ऊपर से उठा के नीचे रख दो ठीक है बी का और लिख दो कितना? 15 माइनस का जो हो गया प्लस हो गया एक बात ध्यान से सुनो ए को तो सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज ही देने हैं A को तो हम दे देंगे 72, रुपीज, ओके में मिटा देता तो पूरे फॉर्म की, तो की कितनी गुडविल है अगर तो आप वन लाख एटी थाउजेंड को फिफ्टीन से दोगे तो ट्वेल्व थाउजेंड आएगा ट्वेल्व इंटू टू ट्वेल्व इंटू टू ट्वेल्व इंटू टू आएगा ट्वेंटी फोर ट्वेल्व इंटू एट जो आएगा ट्वेल्व इंटू एट वो आएगा नाइनटी सिक्स थाउजेंड लिख देना बींग एडजस्टमेंट या खाली लिख देना एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ठीक है ओके लिखना क्लास अच्छी राइटिंग में एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल और ये पूरा जर्नल ये हो गया

और कमेंट करके बताना एंड में सिर्फ एक कमेंट तो करना है क्लास आप लोगों को ताकि मैं और जल्दी अगले वीडियो लेकर आ सकूं और अपने क्लास के सारे दोस्तों में शेयर कर देना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय टेक केयर